एज ए म्यूजिक प्रोड्यूसर करियर बनाना मुश्किल है, पर उतना नहीं जितना आप सोच रहे हैं, और आजकल के टाइम में तो बिल्कुल भी नहीं, जहां पर सारी की सारी इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पे फ्री में अवेलेबल है। तो सवाल ये है कि शुरू कैसे करें। वेल, ये रहा आपके सवाल का जवाब। पॉइंट नंबर वन, आप जिस भी प्रोफेशन में हैं, चाहे आप एक स्टूडेंट हैं, आप कोई जॉब करते हैं, या आप एक बिजनेसमैन हैं, यू डोंट हैव टू लीव दैट। आप स्टार्ट कीजिए पार्ट टाइम में, जैसे कि मैंने किया था। चलिए मैं आपको अपनी एक स्टोरी सुनाता हूँ जो कि बहुत छोटी सी है, बट आपको थोड़ी सी इंस्पिरेशन देगी। 2015 में मैंने ऑनलाइन एक कीबोर्ड खरीदा था, जिसके साथ मुझे मिला एक सॉफ्टवेयर जिसका नाम था एबल्टन लाइव लाइट। बेसिक सा सॉफ्टवेयर था, पर मुझे इतना पता था कि इससे म्यूजिक प्रोडक्शन होता है। मैंने उसको सीखना शुरू किया, ऑफ कोर्स ऑनलाइन। 5-6 महीने 8 महीने मैंने उसे स्पेंड किए, फिर मुझे उसे ऑपरेट करना आ गया, फिर मैंने एक्चुअली म्यूजिक बनाना शुरू किया। पर अगले 6 महीने जो मैंने उसे म्यूजिक बनाया, वो बिल्कुल ऐसा था कि जिसको मैं ही सुनने के बाद डिलीट कर देता था, तो कोई और तो क्या ही सुनता। पर मैंने अपनी जॉब भी कंटिन्यू रखी और मैं उसको साथ के साथ सीखता रहा, लगा रहा। एंड देन फाइनली 2018 में मुझे मिला मेरा पहला ब्रेक विद अंकित तिवारी। जी हाँ, 2018 में एक सॉन्ग रिमिक्स करने का प्रोजेक्ट मुझे मिला। वो हुआ यूँ कि मेरा एक कलीग है आईटी में, जिस कंपनी में मैं जॉब करता हूँ, उसका कोई कज़न जो है वो अंकित तिवारी के यहाँ एज असिस्टेंट काम करता था। तो मैंने थोड़ा सा जुगाड़ लगाया, मैंने कहा यार मुझे कुछ काम चाहिए, एंड देन दिस इज़ व्हाट आई नो। तो फाइनली वो चीज़ हुई, उन्होंने मुझे वो एक सॉन्ग रिमिक्स करने के लिए दिया था। मुझे नाम ध्यान है उस सॉन्ग का, दैट वॉज बे पिंजरा, आप जाके सर्च मार सकते हैं यूट्यूब पर। तो वो सॉन्ग मुझे रिमिक्स करने को मिला, एंड मैंने 3 दिन ऑफिस में झूठ बोला कि मुझे बुखार है। मैंने रात दिन बैठ के उस सॉन्ग के ऊपर रिमिक्सिंग की, 2-3 वर्जन उसके क्रिएट किए, बट फाइनली जब मैंने उसे सबमिट किया तो इट वॉज ऑन स्पॉट रिजेक्टेड। जी हाँ, पर एक अच्छी चीज़ हुई, उन्होंने मुझे ये बताया कि मैंने कहाँ गलती की है और मुझे क्या इम्प्रूव करना चाहिए। उसके बाद मैंने उसी चीज़ पर काम किया अगले 2-3 साल, एंड देन फाइनली 2021 में मैंने अपने खुद के 3 सॉन्ग्स रिलीज किए। पहला जो सॉन्ग है वो ऑटोग्राफ बीट्स, एक पंजाब का रिकॉर्ड लेबल है, जहाँ पर पब्लिश हुआ। इट हैज़ गॉट ओवर 1 मिलियन व्यूज़, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चेक कर सकते हैं। और बाकी के 2 सॉन्ग्स मैंने अपने ही चैनल पर पब्लिश किए हैं, जो कि यहीं आपको मिल जाएंगे किसी प्लेलिस्ट में। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़ कि आप जो भी कर रहे हैं, आप उसको छोड़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। स्टार्ट कीजिए अपना करियर एज अ पार्ट टाइम, एंड देन सी के हाउ फार यू कैन गो। पॉइंट नंबर 2, लोगों को ये भी लगता है कि अगर आप किसी इंस्टीट्यूट में जाके पैसा खर्च करके अगर आप कोई कोर्स करते हैं तो ही आप प्रोडक्शन सीख सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप ऑनलाइन, मेरे हिसाब से आप कुछ भी सीख सकते हैं, अगर आपके अंदर जो है वो जील है, वो डेडिकेशन है। मैंने सीखा है, मेरे जैसे हजारों लाखों ने सीखा है, तो why can't you? और उसके लिए आपको सिर्फ एक चीज़ करनी पड़ेगी, यू हैव टू बी सीरियस अबाउट दैट वन थिंग जो आपको करनी है, इस केस में म्यूजिक प्रोडक्शन है, एंड देन आपको पेशेंस रखना पड़ेगा ऑफकोर्स। एंड पॉइंट नंबर 3, जो कि है सबसे इम्पॉर्टेंट, मैं आपको बताऊँगा हर वो चीज़, हर वो टेक्निक जो कि आपको हेल्प करेगी एज अ प्रोड्यूसर ग्रो करने में। और उसके लिए आपको सिर्फ एक चीज करनी है, और वो क्या है, सब्सक्राइब। आई सी यू वेरी सून, गुड बाय।